हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइंग टेक्निकल। आज हम लोग डब्ल्यू सेल के एनुअल रिपोर्ट के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बेस्ड होगा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के ऊपर, क्योंकि अभी जो रिसेंट डेटा अवेलेबल है वो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का ही है। तो इसी के बेस पे हम लोग डब्ल्यू सेल के एनुअल रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे, जो आने वाले डब्ल्यू सेल एग्जामिनेशन में इससे सवाल आ सकते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो अगर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं बाई सर्चिंग माइंग टेक्निकल ऑन गूगल प्ले स्टोर ऐप, और वहाँ पर आप हमारा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कई सारे वीडियोज़, स्टडी मटेरियल्स एंड क्विजेस मिलेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने अभी हम लोग का कोर्स चल रहा है लाइव, जो कि टारगेट करता है डब्ल्यू सी एल, सी सी एल, एस सी एल, इनफैक्ट बी सी सी एल का भी वैकेंसी आया है। तो उसका भी यहाँ पे प्रिपरेशन इस कोर्स में करा दिया जाएगा। कोर्स बहुत ही नॉमिनल फी में रन किया जा रहा है, 4 मंथ्स का वैलिडिटी है। तो आप इस कोर्स पे इनरोल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कई सारे लाइव क्लासेस मिलेंगे, कई सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे एटसेट्रा। तो इसके अलावा अगर आपने हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभी तक फॉलो नहीं किया, तो यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डब्ल्यू सी एल का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ। तो डब्ल्यू सी एल का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 1 नवंबर 1975 को। कोल इंडिया लिमिटेड के स्थापना के साथ साथ डब्ल्यू सी एल का भी स्थापना उसी डेट को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है और इसे मीररत्न का दर्जा 15 मार्च 2007 को दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आपको इसकी पीडीएफ की इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं माइंग टेक्निकल, जहाँ पर मैं इसका पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। इसके अलावा लाइव क्लासेस चल रहा है हमारी ऐप पे, जिस पे आप एस सी सी एल, बी सी सी एल, डब्ल्यू सी एल, सी सी एल की तैयारी आराम से कर सकते हैं। डायरेक्टर्स की बात करें तो सी एम डी जो हैं वो श्री मनोज कुमार जी हैं। डायरेक्टर पर्सनल की बात करें तो श्री डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। डायरेक्टर फाइनेंस जो है वो अगेन श्री मनोज कुमार जी हैं, यानी सीएमडी और डायरेक्टर फाइनेंस का जो चार्ज है दोनों एक ही पर्सन के अंडर में है। और अगर मैं बात करूँ डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशनल की, तो जय प्रकाश द्विवेदी जी हैं, और डायरेक्टर टेक्निकल प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग तो वो अनिल कुमार सिंह जी हैं। तो ये हुआ ऑल अबाउट डायरेक्टर्स एंड इस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं कि किन राज्यों में डब्ल्यू सी एल अपने माइनिंग ऑपरेशंस ऑपरेट करता है। तो टोटल 2 राज्य हैं जहां पर ये डब्ल्यू सी एल अपना माइनिंग ऑपरेशंस ऑपरेट करता है। फर्स्ट वन इज महाराष्ट्र और सेकेंड वन इज मध्य प्रदेश। टोटल 55 खदानें हैं दोनों मिला के, ठीक है, जहां पर डब्ल्यू सी एल ऑपरेट करता है, माइनिंग ऑपरेशन चलाता है। महाराष्ट्र में ये 3 डिस्ट्रिक्ट में अपने ऑपरेशन चलाता है, नागपुर में, चंद्रपुर में और यवतमाल में। तीनों में टोटल खदानों की संख्या जो है 42 है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के 2 जिलों में अब डब्ल्यू सी एल अपना माइनिंग ऑपरेशन चलाती है, बैतूल एंड छिंदवाड़ा, और जिसमें टोटल खदानों की संख्या 13 है। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल एरियाज़ की, टोटल कितने क्षेत्र हैं डब्ल्यू सी एल में। तो डब्ल्यू सी एल में टोटल 10 क्षेत्र हैं, 7 महाराष्ट्र में हैं और 3 मध्य प्रदेश में हैं। 7 जो महाराष्ट्र में हैं उनके नाम हैं नागपुर, उमरेड, चंद्रपुर, बल्लारपुर, माजरी, वनी एंड वनी नॉर्थ, वाले जो 3 मध्य प्रदेश में हैं उनके नाम है पेंच, कन्हान एंड पाथाखेरा। पाथाखेरा एकमात्र एक ऐसा एरिया है डब्ल्यू सी एल का जहाँ पर सभी के सभी अंडरग्राउंड माइंस हैं, वहाँ कोई भी ओपन कास्ट माइंस नहीं है। आगे आते हैं वर्कशॉप की कि डब्ल्यू सी एल का सेंट्रल वर्कशॉप कहाँ पे है, तो वो है तराली में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ वॉशरी की, तो वॉशरी डब्ल्यू सी एल का नंदन वॉशरी है, जो कि कन्हान क्षेत्र में आता है। और अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की कि कोयला का प्रोडक्शन में क्या परफॉर्मेंस रहा, ओवरबर्डन कितना रिमूव किया गया, तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 यानी जो रिसेंटली क्लोज हुआ है उस फाइनेंशियल ईयर में डब्ल्यू सी एल का परफॉर्मेंस रहा 64.28 मिलियन टन्स, यानी इतना कोयला का प्रोडक्शन डब्ल्यू सी एल ने किया है 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में। वहीं अगर मैं बात करूँ 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर की, तो डब्ल्यू सी एल ने 57.71 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया है। अगर इसी साल में मैं ओवरबर्डन रिमूवल की बात करूँ, तो डब्ल्यू सी एल ने 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में 273.24 मिलियन मीटर क्यूब का ओवरबर्डन रिमूव किया है। इसके अलावा मैं बात करूँ प्रोडक्टिविटी का, तो यहाँ पे ओवरऑल एमएस डब्ल्यू सी एल का रहा 3.52 टन्स। अगर ऑफटेक की बात किया, डिस्पैच की बात करी जाए, कितना कोयला डिस्पैच किया गया, तो 64.17 मिलियन टन्स जो है कोयला डिस्पैच किया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा कोयला पावर सेक्टर को यहाँ पर डिस्पैच किया गया है।
पावर सेक्टर को 57.2 मिलियन टन डिस्पैच किया गया है, वहीं सीमेंट सेक्टर को 1.3 मिलियन टन जो है डिस्पैच किया गया है। इसके अलावा भी अदर सेक्टर हैं, पर जो मेन सेक्टर जिसमें कोयला डिस्पैच हुआ है वो यही दो सेक्टर हैं। बात करें कि किस मोड में सबसे ज़्यादा कोयला का डिस्पैच हुआ था, तो रेलवे मोड से सबसे ज़्यादा कोयला का डिस्पैच हुआ है, 37.99 मिलियन टन रेल मोड से कोयला डिस्पैच हुआ है। वहीं रोड मोड से कोयला का डिस्पैच 24.10 मिलियन टन डिस्पैच हुआ है। HUM की बात करी जाए कि टोटल HUM की संख्या कितनी है, तो आप देख सकते हैं ड्रैगलाइन एक है, WCL में डोजर 147 है, इलेक्ट्रिक रोप सवेल 12 है, हाइड्रोलिक एक्सकावेटर 107 है, डंपर 347 है, और ड्रिल 70 है, और सरफेस माइनर 2 है। तो ये हुआ HUM के पॉपुलेशंस। अवार्ड्स की बात करें तो WCL को 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में मेन जो अवार्ड्स मिले हैं वो 3 अवार्ड्स हैं। कॉरपोरेट सेफ्टी अवार्ड में सेकंड प्राइज मिला, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट में सेकंड प्राइज मिला, एंड एन कुमार इनोवेशन अवार्ड भी मिला। ये तीनों अवार्ड 47वें CIL के फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन के टाइम ही WCL को मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैन पावर की, तो मैन पावर 31 मार्च 2022 तक 35,741 था WCL का। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ERP के, तो ERP अगर CIL के लेवल पे बात की जाए तो ERP सबसे पहला अपने पे लागू करने वाला जो कंपनी है वो WCL है, अलॉन्ग विथ MCL। MCL और CIL, WCL सबसे पहली कंपनियां हैं जहां पर ERP, ठीक है, CIL के जो कंपनियों की बात कर रहा हूं, तो उसमें सबसे पहले जो WCL और MCL ही हैं जिस पे सबसे पहले ERP लागू किया गया था। जिस प्रोजेक्ट के थ्रू लागू किया था उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट पैशन, और ERP 7 जो है कोर बिजनेस मॉड्यूल में ERP लागू है, जैसे ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, फिनेंस एंड कंट्रोलिंग मॉड्यूल, मटेरियल मैनेजमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्लांट एंड मेंटेनेंस, प्रोजेक्शन एंड प्लानिंग, प्रोजेक्ट सिस्टम। तो ये 7 बिजनेस कोर मॉड्यूल हैं जिसमें ERP लागू है, और ये ERP SAP के थ्रू लागू है। SAP एक ERP सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे आते हैं रेस्क्यू में। रेस्क्यू की बात करें तो मेन इसका जो रेस्क्यू स्टेशन है वो नागपुर में है, और ये अपने MRS एक रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क जो है इम्पार्ट करती है, ट्रेनिंग इम्पार्ट करती है। बिसाइड्स इम्प्लॉयज़ ऑफ WCL, ये कई अन्य कंपनियों के इम्प्लॉयज़ को भी रेस्क्यू एंड रिकवरी की ट्रेनिंग इम्पार्ट करती है ऑन पेमेंट बेसिस, जिसके नाम है सनफ्लैग, आयरन एंड स्टील कंपनी, सियालगुगरी कोल माइंस, मोय लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एंड SML लिमिटेड। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सेफ्टी की, तो टोटल WCL में 6 टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि इंस्टॉल्ड हैं। कौन से खदानों में? BC3 यानी बल्लारपुर कोलियरी 3 और 4, DRC सिल्लेवारा, नंदगांव, शास्त्री यूजी एंड महाकाली। तो इन खदानों में टोटल 6 जो है टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, यानी ठीक है पर माइंस में 1-1 ETMS इंस्टॉल्ड है। मैन रेडिंग सिस्टम की बात करी जाए तो मैन रेडिंग सिस्टम 14 हैं जो अभी ऑपरेशनल में है 13 अंडरग्राउंड माइंस में, जैसे कि तांसी हो गया, मोहन, सावनेर 1, टावा 1, टावा 2, बलारपुर कोरेरी 3 और 4, छतरपुर 1-2 सिस्टम, नेहरिया, राजूर इंक्लाइन, सावनेर माइन नंबर 2, सावनेर माइन नंबर 3, महाकाली एंड DRC। तो ये सब खदानें हैं जहाँ पे मैन रेडिंग सिस्टम्स ऑपरेशन में है। और इसके अलावा खदान के गैसों का जल्दी से और प्रिसाइज विश्लेषण करने के लिए कई अलग अलग RRR और रेस्क्यू रूम और रेस्क्यू स्टेशन में 4 गैस क्रोमेटोग्राफ कमीशनड हैं, यानी गैस क्रोमेटोग्राफ जो है WCL में 4 है। और ये गैस क्रोमेटोग्राफ करता क्या है कि माइन गैसेस का एनालिसिस करता है बहुत ही जल्दी और प्रिसाइजली। इसके अलावा बेंचेस एंड डम्प्स की मॉनिटरिंग करने के लिए नीलजय, मंगोली और उमरेर ओपन कास्ट में मॉडिफाइड बोर होल एक्सटेंशन मीटर इंस्टॉल्ड है। तो ये हुआ आज का कंप्लीट वीडियो ऑन द टॉपिक WCL का एनुअल रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसी तरह से आप कोर्स में परचेस करना चाहते हैं, जो हम लोग ऑनगोइंग कोर्स है फॉर BCCL, CCL, WCL, SCCL, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा। इसमें कई सारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव क्लासेस सब के सब वहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएंगे। फी बहुत ही नॉमिनल है, सो डू चेकआउट द डिस्क्रिप्शन। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।